वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द क्लास 10th केमिस्ट्री ICSE। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इसके पार्ट ए में से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए इज अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आप हमारे इन सभी ऑफिशियल हैंडल्स को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जरूर फॉलो करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो द एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। तो जो भी सभी सब्सटेंसेस जिनका सोर टेस्ट होता है, यानी कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, उन सभी को हम एसिड्स बोलते हैं या फिर उनमें हमें एसिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस एंड लेमन्स, ठीक है। तो ये सभी इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सिंपल हो सकती हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूलों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है, तो ऑल दी एसिड्स कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम होगा। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें से हाइड्रोनियम आयन दैट इज द H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, दैट इज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। जितने भी एसिड्स होंगे जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। सिर्फ यही एक पॉजिटिव आयन उसमें फॉर्म होता है, कोई भी और पॉजिटिव आयन वहां पर बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारे एसिड्स यूज किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, या फिर HNO3 दैट इज द नाइट्रिक एसिड, एंड द एसिटिक एसिड दैट इज द CH3COOH। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द एसिड्स, ठीक है। तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनकी कैसे वहां पर आयनाइजेशन होती है उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या होगा, HCl प्लस वाटर, ठीक है। तो हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, दैट इज द H2O। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, विच कम्प्लीटली आयनाइज, ठीक है। जितना यूज करेंगे सभी के आयन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें बनाकर देगा यहाँ से एक H पॉजिटिव, यानी कि HCl के दो पार्ट्स हो जाएंगे, दैट इज द H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये जाकर अटैच हो जाएगा H2O के साथ, सो इट फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोनियम आयन इज जस्ट एच पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है। H पॉजिटिव एंड H2O जब आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। प्लस यहाँ से क्या बच गया, ओनली Cl नेगेटिव, दैट इज द क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर हो जाता है आयनाइज जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इन टू दी वाटर डिजोल्व किया है, ठीक है। ऐसे हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है अबाउट दी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज दी H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो आयनाइज हो सकते हैं। तो मतलब हमारे H2O भी हमें दो मॉलिक्यूल्स यूज़ करने होंगे, टू यूज़ करने होंगे, ताकि यहाँ पर टू हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो जितने यहाँ पर आयनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो प्लस वहाँ पर क्या बचता है, ओनली सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, दिस इज द सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बच जाता है, ऐसे होती है सल्फ्यूरिक एसिड की आयनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है थर्ड यहाँ पर, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। तो जब हम इसको ऐड करेंगे वाटर में, दैट इज द HNO3 प्लस करेंगे वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इस एसिड में ओनली वन है, तो यहाँ पर ओनली वन हाइड्रोनियम आयन बनेगा H2O के साथ जुड़कर, और बाकी बच जाएगा यहाँ पर NO3 1 नेगेटिव, दैट इज द नोन एज नाइट्रिक जो एसिड है, वहां से हमें एक आयन बन जाएगा, दैट इज दी नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो ये था हमारा सल्फेट आयन, दिस इज दी क्लोराइड आयन, ठीक है। ये तो सिंपल है, ओके। तो ऐसे ही है हमारा फोर्थ एसिड, दैट इज दी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि हमें यह कहां पर मिलता है, इन दी विनेगर, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन अब यहां पर कैसे होगी, दिस इज दी CH3COOH। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल होता है, ठीक है। ओनली दिस हाइड्रोजन इज आयनाइजेबल, दिस इज नॉट आयनाइजेबल, ठीक है। जो CH3 है उसमें से कोई हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं आयनाइज होता, ओनली ये वाला H ही आयन बनाता है, ठीक है। यानी कि यही सिर्फ H पॉजिटिव बना सकता है। तो ये एक वीक एसिड है, यहाँ पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन यूज करेंगे,
तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सो इट फॉर्म्स दी सी एच थ्री सी ओ ओ वन नेगेटिव एंड दी प्लस हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो आयन बना है दिस इज नोन एज दी एसीटेट आयन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी एसीटेट आयन। ओके, तो ये थी इन फोर एसिड्स की सिंपल आयनाइजेशन, जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, आपको अच्छे से इन सभी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इसके बाद है हमारे पास सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ठीक है, जो हमें नेचुरल सोर्सेज में कुछ एसिड्स मिलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि हमें मिलता है इन दी विनेगर। विनेगर को हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा इसका क्या नाम है, जो हम आम इसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द सिरका। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अचार वगैरह के लिए या फिर हम इसे एक सैलड वगैरह में यूज़ करते हैं, और भी इसको बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें मिलता है इन दी सिट्रस फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स होते हैं जिनका सो टेस्ट होता है, यानी कि जो सभी खट्टे होते हैं उन सभी में कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड लाइक ऑरेंजेस एंड दी लेमन्स। ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड हमें कहाँ पर मिलता है, रेंसिड बटर में, जो बटर खराब हो जाता है उसमें कौन सा एसिड बन जाता है, ब्यूटेरिक एसिड। फिर आते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में हमें मिलता है। देन देयर इज अ फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा HCOOH। ठीक है, सो ये हमें मिलता है स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स। ठीक है, आंट्स और बीज के स्टिंग में हमें ये मिलता है। ठीक है, वो हमारी स्किन में इसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद हमारी स्किन में ये स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें मिलता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमें मिलता है सोर मेलक या फिर यहाँ पर कर्ड में। ठीक है, फिर आता है मैलिक एसिड, जो कि हमें एप्पल्स में मिलता है। देन देयर इज ओलियक एसिड, जो हमें ओलिव ऑयल में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है इन दी टमाटोज। स्टेरिक एसिड, जो कि हमें फैट्स में मिलता है। देन देयर इज ए टार्टेरिक एसिड, जो कि हमें ग्रेप्स या फिर यहाँ पर इमली में ये हमें को ये वहाँ पर भी हमें मिलता है। देन देयर इज ए यूरिक एसिड, जो कि हमें यूरिन में मिलता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एसिड्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात है कि ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। हमने ये एक्सप्लेन किया था कि एसिड्स में हाइड्रोजन होती है, वो तो ठीक है, बट जितने भी कंपाउंड्स हैं जिन सभी में हाइड्रोजन हो, वो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो एक एसिड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर। ठीक है, ये केन शुगर जो हम यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, दिस इज़ नॉट एन एसिड। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें के हाइड्रोजन होता है, बट दे आर नॉट एसिड्स। तो सिर्फ एसिड वही सब्सटेंस होगा जो कि वाटर में जाकर अपना हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज कर हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करेगा, दैट इज़ द एसिड। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये दो एग्जांपल्स हम जनरली यूज़ करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली है इसमें टाइप, दैट इज़ दी सबसे पहली है यहाँ पर हमारे पास टाइप, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस। ठीक है, कि एसिड हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, तो इसमें बनते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन होते हैं, जो हमें नॉर्मली एनिमल्स या फिर प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, इसको हमने अभी भी रीड किया था कि इसका सोर्स क्या है, वो आप लोगों ने वहाँ पर देखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, COOH एंड टू टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट में इसको टू टाइम्स, ये ऐसे दो आपस में जुड़े होते हैं ग्रुप, तो बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड। और एसिटिक एसिड, ये भी हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स की हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, दीज यूजली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दीज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है। सेकेंड, दीज आर वीक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड्स कौन से एसिड्स हैं, विच डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज। ठीक है, विच डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, जो अभी कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि हमने जितना एसिड यूज़ किया है, बीच में ऐड किया है, उसके सभी के आयन्स बिल्कुल नहीं बने हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर हमें आयन्स प्लस मोलिक्यूल्स इसके एक्वा सोल्यूशन में हमें दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
तो ये होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, जो के नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं और इनके बीच कार्बन एंड हाइड्रोजन जो एज ए वहां पर एलिमेंट जरूर होती है। ठीक है, फिर आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड हम जो ऑब्टेन करते हैं यूजली फ्रॉम दी मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HNO3 हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स हैं। ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग खुद यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच कम्प्लीटली आयनाइज, ठीक है, जितना यूज़ किया पूरे का पूरा ही ब्रेक होकर आयन्स फॉर्म हो गए, तो इसमें हमें नॉर्मली आयन्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड H2CO3, एक वीक मिनरल एसिड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वीक है बट ये एक इनऑर्गेनिक वीक एसिड है। नॉर्मली जो इनऑर्गेनिक एसिड वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिर्फ इसकी एक एक्सेप्शन है। ये नॉन करोजिव है, मतलब इसका हमारी स्किन पर कोई इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा खास, ठीक है, एंड इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में यूज किया जाता है और इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन भी होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है, दैट इज द इनऑर्गेनिक एसिड बट वीक है, मिनरल है। ठीक है, इसको फॉर्म करना बहुत इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है, तो जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं जिनमें गैस फिल की होती है, वो सभी में यही एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो ये इसकी एक एक्सेप्शन है। ओके, अब इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास यहाँ पर एक और इसमें हो सकती है क्लासिफिकेशन, हमारे पास होते हैं ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जिनके पास ऑक्सीजन भी हो, मतलब हाइड्रोजन तो होगी होगी, जिनके पास हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी हो, जैसे कि HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ऑक्सी एसिड्स हैं, इनमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है, और जिनके पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, दैट आर नोन एज दी हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, जैसे कि HCl है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड विद सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि Cl, इसके अलावा इसकी एग्जांपल HF, HBr, HI, ये सभी हाइड्रा एसिड्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल यानी कि हैलोजन्स को जोड़ रहे हैं, ये सभी हाइड्रा एसिड्स हैं। ठीक है, और ये हो गए ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर वन, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम एसिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेटेड एसिड, सेकंड इज द डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एसिड और नो अमाउंट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच कंटेन ऑलमोस्ट नो और स्मॉल वाटर। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऐसे जो सभी होंगे एसिड्स उनको हम यहाँ पर बोल देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो इसमें क्या होगा कि हमारे एसिड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट बहुत ही लो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हो कुछ ऐसा कि 90 ml एसिड हो, ओनली हमने ऐड किया हो 10 ml वाटर। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को हम यूजली क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एक कंसंट्रेटेड एसिड, के एसिड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट बहुत ही लो है या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप आती है, दैट इज द डिल्यूट एसिड, जिसमें क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट जो होता है वो एसिड से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसिड को ऐड कर देते हैं टू दी वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी एसिड को डिल्यूट करना हो, मान लीजिए हमने यूज़ किया 5 ml एसिड, उसको ऐड कर दिया हमने इनटू दी 100 ml ऑफ दी वाटर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी एसिड को डिल्यूट कर सकते हैं, डिल्यूट एसिड बना सकते हैं, मतलब एसिड का अमाउंट बहुत ही लो होगा, वाटर का अमाउंट यहाँ पर हाई होगा। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, कि किसी भी एसिड को डिल्यूट करना हो, हमने एसिड को पोर करना है टू दी वाटर। ठीक है, टू डिल्यूट एंड एसिड, पोर दी एसिड टू दी वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि वाटर को एसिड में ऐड कर देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी और एसिड वहाँ पर स्प्लैश कर सकता है, बीकर भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिड होगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी, तो हम एसिड को स्मॉल अमाउंट्स में ऐड करेंगे इनटू द वाटर। ठीक है, तो ये रास्ता हमारा बिल्कुल सही है, कि एसिड को ऐड करें इनटू द स्मॉल अमाउंट
इन दी वाटर ताकि एसिड का अमाउंट हमेशा लो रहे और ज़्यादा हीट ना रिलीज हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म आती है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों टर्म्स को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक होते हैं स्ट्रोंग और वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रोंग और वीक एसिड, और एक है यहाँ पर डिल्यूट एंड दी कंसनट्रेटेड एसिड। तो डिल्यूट और कंसनट्रेटेड होना डिपेंड करता है वाटर के अमाउंट पर, स्ट्रोंग और वीक होना डिपेंड करता है कि एसिड के कितने आयंस बन रहे हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, मान लीजिए हमने ऐड किए हैं 100 मोलिक्यूल्स ऑफ एसिड। ठीक है, हमारे पास टोटल 100 मोलिक्यूल्स हैं किसी एसिड के, उसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अबाउट 30 मोलिक्यूल्स आयनाइज हो गए हैं। ठीक है, ओनली 30 मोलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से ओनली कितने आयनाइज हो रहे हैं, 30। तो इसका मतलब ये इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी बन जाएगी, 30%। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का, दैट इज नंबर ऑफ एसिड मोलिक्यूल्स आयनाइज्ड, जो कि हमने अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग कितना है, 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एसिड मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। टोटल कितने मोलिक्यूल्स थे यहाँ पर, 100, इनटू हम कर देंगे 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 30%। ठीक है, तो हमें 30% इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मिल रही है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे आप लोग किसी भी एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितने मोलिक्यूल्स ब्रेक होकर आयंस बना रहे हैं वो सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इसलिए कंसिडर करते हैं, उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू 30% से ग्रेटर देन हो जाती है। ठीक है, अगर उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू मोर देन 30% हो, देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर इससे लो होगी देन इट इज ए वीक एसिड। ठीक है, ओके है, तो ये थी इसकी सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन। तो इसके बाद है थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिसिटी, हम एसिड्स को कैसे है यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिसिटी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की बेसिसिटी सोल्व की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एसिड में बेसिसिटी सोल्व करते हैं। अब ये क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस दैट द एसिड कैन प्रोड्यूस। ठीक है, तो एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोनियम आयन जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वो प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर एसिड का मॉलिक्यूल एक मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है, देन इट इज इट्स बेसिसिटी इज वन, अगर दो बनाएगा टू, ज़्यादा बनाएगा उसके अकॉर्डिंग 3-4, आगे ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वन बाय वन एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मोनोबेसिक एसिड, जिनकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। जैसे HCl है, HBr है, HNO3 है, CH3COOH है, ये सभी मोनोबेसिक हैं क्योंकि इनमें ओनली 1 हाइड्रोजन है जो कि आयनाइज हो सकता है। ठीक है, इन सभी की आयनाइजेशन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पर एसिड्स के बारे में स्टार्ट किया था तो वही सेम रिएक्शन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी ओनली एक ही हाइड्रोजन हो सकता था आयनाइज, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। सेकेंड आते हैं यहाँ पर डाइबेसिक, जो कि 2 हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर यहाँ पर है कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला हमने ये भी रीड किया था, वो भी याद रख सकते हैं, और ये भी ठीक है जो हमने यहाँ पर लिखा है, दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी इसी का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरियस एसिड H2SO3, ये सभी हैं डाइबेसिक। डाइबेसिक में अब क्या होता है, ये वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी। तो H2SO4 है मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया वाटर का ओनली 1 मोलिक्यूल। ठीक है, हम इसके दोनों स्टेप्स यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, यानी कि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HSO4। ठीक है, एक हाइड्रोजन गया है तो ओनली 1 नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, अब इससे जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि ये जो HSO4 है 1 नेगेटिव, ये भी आगे वाटर के साथ रिएक्ट होगा, वाटर के दूसरे मोलिक्यूल के साथ, ये अपना एक और जो इसके पास H था उसको भी रिलीज कर उसका भी इसके साथ हाइड्रोनियम आयन बना देगा, और अब इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से SO4, और ये भी हाइड्रोजन अब यहाँ से गया और एक और चार्ज इंक्रीज हो गया, ये बन गया -2। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सल्फेट आयन, और ये ऊपर वाला बन जाएगा बाईसल्फेट आयन। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट और हमारे पास आती है टर्म कि अगर हम इनके सॉल्ट बनाकर देखें, ठीक है, तो इसमें से सॉल्ट बन सकता है Na, इसके साथ सोडियम एक ही अटैच हो सकता है बिकॉज ओनली देर इज ओनली ए -1 चार्ज, तो यहाँ से बनेगा NaHSO4। दिस इज द सोडियम बाई सल्फेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक है। तो अगर हम इसके साथ बनाकर देखें तो यहां से बनेगा Na2SO4, दो सोडियम अटैच होंगे बिकॉज देर इज ए -2 चार्ज, सो दिस इज द सोडियम सल्फेट, इसका नाम तो आप लोगों को जरूर आता होगा, दिस इज द सोडियम सल्फेट, दिस इज द सोडियम बाइसल्फेट, और जिस जिस सॉल्ट के पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, जिस सॉल्ट के पास हाइड्रोजन हो जो कि आयनाइजेबल हो, इसका मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ नियम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना है यहाँ पर NaHSO4, दिस इज नोन एज द एसिड सॉल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट, ठीक है, ये वाले को सोडियम बाइसल्फेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है इसलिए, ठीक है। तो जो है यहाँ पर डाइबेसिक, जितने भी डाइबेसिक एसिड हैं वो एक बना सकते हैं यहाँ पर एसिड सॉल्ट, एक बना सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं ट्राई बेसिक जो होंगे, ठीक है, उनमें क्या फॉर्म होगा, उसकी एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहली फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, उसकी एग्जांपल है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और या फिर यहाँ पर हो सकती है सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला C6H8O7 है, इसका फॉर्मूला याद रखने की खास हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड में टोटल कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पर आयनाइजेबल हैं, यहाँ पर हैं 3 जो हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो कि आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम ऐसे ही वन बाय वन, सबसे पहले एक H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वन हाइड्रोनियम आयन, यहाँ से ओनली वन हाइड्रोजन जाएगा तो बचेगा H2PO4 और चार्ज आ गया यहाँ पर -1, ठीक है। ऐसे ही जब इसको आगे यूज करेंगे H2PO4 नेगेटिव को, इसमें से एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, एक हाइड्रोनियम आयन और बन गया, यहाँ पर ओनली वन हाइड्रोजन रह गया तो यहाँ पर चार्ज बन गया 2-, ऐसे ही इसमें से भी अब ये एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बचेगा, ये बन जाएगा फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो इससे जो अब यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, दैट इज यहाँ पर एक ही सोडियम अटैच हो सकता है, सो दिस इज नोन एज द Na2H2PO4, ठीक है, ये भी एक एसिड सॉल्ट है, इससे यहाँ पर 2 है चार्ज तो यहाँ पर 2 सोडियम जुड़ सकते हैं Na2HPO4, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ सकते हैं 3 क्योंकि यहाँ पर है चार्ज 3-, तो Na3PO4, तो यहाँ पर 2 बन चुके हैं हमारे पास एसिड सॉल्ट एंड देयर इज ओनली वन सिंपल सॉल्ट यानी के नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। तो इन सभी के आप लोगों ने याद रखने हैं नेम्स, दिस इज कॉल्ड मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉस्फेट, ठीक है, ओके। तो ये जो है दूसरा, इसका नाम क्या बनेगा, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, जो ये बनेगा डाइहाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी डाइसोडियम, ठीक है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर आखिर वाला है उसका नेम तो सिंपल बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, वो तो सिंपल है सोडियम फॉस्फेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, तो इसका आप सिंपल नेम सोडियम फॉस्फेट भी याद रख सकते हैं। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द बेसिसिटी, एक दो इसमें और इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, वो आप लोगों ने जरूर रीड आउट करने हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर एक स्पेशल एसिड आता है, दैट इज द H3PO3, ठीक है, दिस इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, जो हमने वहां पर ऊपर किया था, दैट इज द H3PO4, ठीक है। तो अब ये आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जितने भी फॉस्फोरस के एसिड हैं उन सभी की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड जरूर बनता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गया, बाकी के 2 ऑक्सीजन यहाँ पर OH की फॉर्म में जुड़ जाएंगे। एक ये जो हाइड्रोजन है जो कि फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़ी है, दिस इज नॉट आयनाइजेबल, ठीक है, दिस इज नॉट आयनाइजेबल, इसके आयंस बिल्कुल नहीं बनते इस हाइड्रोजन के, ठीक है, ओनली दीज 2 आर आयनाइजेबल, देयरफॉर दिस एसिड इज डाइबेसिक। मतलब आप लोग फॉर्मूला से डायरेक्टली बिल्कुल नहीं ये ऑब्जर्व कर सकते कि ये डाइबेसिक है या फिर कितने इसमें से हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, उसकी स्ट्रक्चर हमें याद रखनी पड़ती है, सो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ओनली यही दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल हो सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा एसिड है जिसकी बेसिसिटी 4 होती है, दैट इज द सिलिसिक एसिड, ठीक है, H4SiO4, इसकी होती है बेसिसिटी 4, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ तक था हमारा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, इससे जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स एंड उसके बाद उसकी सभी प्रॉपर्टीज को। तो प्लीज़ इन सभी वीडियोस को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।